अब चलते हैं वापस से अपने सवालों की तरफ। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं सांगली से, विक्की जी। गुड मॉर्निंग विक्की, क्या सवाल है मेरे आपका? पास पीएनबी के 50 शेयर है, 105 शेयर है 50 रुपए के भाव पर, तो और करीब करीब साउथ इंडियन बैंक के 10 रुपए पर 460 जी, एक एक करके सवाल लेते हैं, पहले पीएनबी की तरफ बढ़ते हैं। तो करीब करीब 50 रुपये का आपने खरीदारी का भाव बताया, यहाँ से डबल तो शेयर ऑलरेडी हो गया है। मानस जी, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर और होल्ड करना चाहिए? उससे पहले विकी जी, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए मैम। लॉन्ग टर्म के लिए? जी मानस जी, तो देखिए, 144 स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था और अभी भी 100 रुपए के आसपास के भाव चलने तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, बट फिर भी कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक बेटर आइडिया कि अगर आपको इसी स्पेस में रहना है तो यहाँ से निकल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस पैसे को निवेश करें और कम से कम 1 साल का इंतजार करें, तो वहां पर बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है पीएनबी का। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है।